एपिसोड 7 के आखिर में हमने देखा था कि अब अपना असली जेसन इस यूनिवर्स में पहुंच गया है और अब वो साइंटिस्ट जेसन को मारने उसे ढूंढ रहा है। अब या आप लोगों को लगा होगा कि चलो अब इस पैरेलल यूनिवर्स के कॉम्प्लिकेशन से पीछा छूटा, अब स्टोरी इसी यूनिवर्स में चलेगी तो समझने में आसानी होगी। दोस्तों मुझे भी यह एपिसोड 8 देखने से पहले ऐसा ही लगा था, पर अब एक ही यूनिवर्स होते हुए अब यहाँ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और अजीब सी सिचुएशन बन गई है, और वो क्या है यही आज हम इस एपिसोड 8 में देखेंगे। एपिसोड 8 शुरू होता है, साइंटिस्ट जेसन को पता चलता है कि डेनिलिया रायन से मिलने आई है क्योंकि रायन के गर्लफ्रेंड मिंडी ने उसे कॉल करके अर्जेंटली बुलाया था। आगे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जेसन रात में अपने घर के बाहर कचरा डालने आया है, तभी उस पर असली जेसन हमला करता है, वही जेसन जिसने एपिसोड 7 में नाइफ खरीदी थी। फिर दोनों की जबरदस्त फाइट के बाद साइंटिस्ट जेसन अपने असली जेसन यानी प्रोफेसर जेसन का सर जमीन पर पटक पटक कर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जब डेनिलिया रायन से मिलने जाती है तब वो शॉक हो जाती है क्योंकि रायन को कुछ भी याद नहीं होता है। वह डेनिलिया को पहचानने से इनकार करती है और उसे एक ही बात याद थी कि वो एक बार में था, तब एक अनजान आदमी ने उसे शराब में कुछ मिलाकर पिलाया और फिर वो यहाँ आया। और जब डेनिलिया रायन को जेसन का फोटो दिखाती है तब वह रायन बताता है कि कल रात मुझे इसी आदमी ने ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया था और किडनैप करके यहाँ लाया था। तब डेनिलिया को पता चलता है कि जेसन कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहा है और वो कुछ तो बुरा काम कर रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जिस रायन को साइंटिस्ट जेसन वापस लेकर आया है वह असली रायन नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स का रायन है। आगे हम जेसन को होटल के रूम से बाहर आते देखते हैं और तभी सामने और एक जेसन होता है। अब हमें यहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं होता कि अब यह दो जेसन कैसे जिंदा है, क्योंकि असली जेसन को तो साइंटिस्ट जेसन ने अभी थोड़ी देर पहले मार डाला, तो अब बस एक ही जेसन बचना चाहिए। स्टोरी में और एक जेसन कैसे, और अब इस दोनों जेसन के नाक पर सेम निशान होता है जो असली जेसन के नाक पर था। फिर दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ साइंटिस्ट जेसन तो कुछ देर पहले मारे हुए असली जेसन की बॉडी को गैराज में छिपा रहा होता है। मतलब यह क्या चल रहा है? अब यह स्टोरी क्लियर होती है जब एक दूसरे का पीछा कर रहे जेसन सेम बार में आते हैं, तब एक जेसन दूसरे जेसन को अपने टेबल पर बुलाता है और अब हमें पता चलता है कि यह दोनों भी असली जेसन है और वो जिसे साइंटिस्ट जेसन ने मार डाला वो भी असली जेसन ही था। तो बात यह है कि अब यूनिवर्स है तो एक ही, पर जब से साइंटिस्ट जेसन ने असली जेसन को किडनैप किया तब से इस असली जेसन ने आगे जितने भी डिसीजन लिए उसके हिसाब से उतने यूनिवर्स बने और फिर अपने असली जेसन की भी उस यूनिवर्स में कॉपी बनी। और फिर प्रोफेसर जेसन जिस तरह से अलग अलग यूनिवर्स से धक्के खाकर आखिर में अपने असली यूनिवर्स में पहुंचा, उसी तरह अन्य बहुत सारे असली जेसन भी क्यूब से इस यूनिवर्स में आए हैं क्योंकि उनका असली यूनिवर्स तो यही है। पता नहीं आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं, पर आप टेंशन मत लो, अब इस सीरीज का एक लास्ट एपिसोड आना बाकी है। फिर मैं आपको यह कंप्लीट सीरीज एक ही वीडियो में सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा और इसके पीछे की साइंटिफिक थ्योरी भी आसान तरीके से समझाऊंगा। तो अब यहाँ हम जानते हैं कि यह दोनों असली जेसन है, पर इन दोनों में भी असली जेसन यह है जिसकी उंगली में रिंग की जगह एक सफ़ेद धागा है, क्योंकि हमें इसी की स्टोरी दिखाई गई है, जबकि दूसरी जेसन की उंगली में काला धागा है। अब या दोनों मिलकर साइंटिस्ट जेसन से निपटने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि एक जेसन चार्ली को अपने साथ लेकर जाएगा और दूसरा जेसन डेनिलिया को अपने साथ, फिर दोनों उन्हें सब कुछ समझाएंगे। दोनों ने प्लान तो अच्छा बनाया था, पर अगर दोनों ने मिलकर साइंटिस्ट जेसन को मार भी दिया फिर भी इन दोनों में से डेनिलिया और चार्ली के साथ कौन रहेगा? यह एक सवाल बनता है क्योंकि दोनों असली जेसन है, दोनों भी डेनिलिया और चार्ली से बहुत प्यार करते हैं, तभी वो असली यूनिवर्स तक पहुंच गए। तब एक जेसन बोलता है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ भी करूंगा, और फिर वो वहां से चला जाता है।
और अब यहाँ असली असली वाला जेसन उस जेसन को देखता रहता है। यहाँ हमें और एक बात पता चलती है कि माना कि अपना सही यूनिवर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर भी इस यूनिवर्स में अभी तक हमने 3 असली जेसन को देखा है और उसके जैसे और कितने असली जेसन इस यूनिवर्स में सक्सेसफुली आ गए हैं क्या पता। अगले दिन असली जेसन एक रेस्टोरेंट में जाता है और सिगार पीता है जो वहाँ अलाउड नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़कर लेकर जाती है और वो भी ऐसा ही चाहता था। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जेसन चार्ली को एक यूनिवर्सिटी दिखाने लेकर जाता है जहाँ उसका पीछा वही बार में मिला हुआ जेसन कर रहा होता है। वो पहले से ही घायल हुआ था इसलिए वो साइंटिस्ट जेसन को नहीं पकड़ पाता, बल्कि साइंटिस्ट जेसन उसी को मार डालता है और उसकी बॉडी को एक बाथरूम में छिपा देता है, फिर चार्ली को लेकर घर के तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस डिनिलिया को फोन करके इस असली जेसन की बेल कराने पुलिस स्टेशन बुलाती है। तब यह असली जेसन उसे सब कुछ सच बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था और तुम जिसके साथ रह रही हो वो एक दूसरे यूनिवर्स का जेसन है। पर अब डिनिलिया साइंटिस्ट जेसन के झूठ सुन सुनकर थक गई है इसलिए वो इस असली जेसन की भी नहीं सुनती। पर आखिर में जब जेसन डेनिलिया को जेसन को कॉल करने के लिए कहता है और जब वो ऐसा करती है तब वो कॉल कोई और यानी साइंटिस्ट जेसन उठाता है और फिर यह असली जेसन डेनिलिया को फोन पर उस साइंटिस्ट जेसन को पिछले साल की क्रिसमस के वेकेशन के बारे में बोलने के लिए कहता है। तब डेनिलिया इस जेसन को बताती है कि हम पिछले साल क्रिसमस के टाइम किसी भी वेकेशन पे नहीं गए थे। तब यह असली जेसन इसीलिए उसे फोन पर वेकेशन के बारे में बोलने के लिए कहता है। तब दूसरी तरफ से साइंटिस्ट जेसन को पिछले साल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है इसलिए वो भी सभी बातों में हाँ मिला देता है और इस तरह डेनिलिया को पता चलता है कि यह सामने जो है वही उसका असली जेसन है। आगे जब डेनिलिया चार्ली को लेने घर जाने के लिए निकलती है तब जेसन उसे कहता है कि मेरी तरह बहुत सारे असली जेसन भी अब इस यूनिवर्स में आए हैं, वो कितने हैं मुझे नहीं पता। तब वे दोनों एक दूसरे को एक कोडवर्ड बताते हैं, वह कोडवर्ड होता है जुपिटर। फिर डेनिलिया चार्ली को लेने जाती है। घर जाने पर साइंटिस्ट जेसन डेनिलिया और चार्ली को अपने बैग्स पैक करने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे भी पता चल गया है कि बहुत सारे जेसन अब इस यूनिवर्स में आए हैं क्योंकि दोनों को तो उसने खुद ही मार डाला था। और फिर वो डेनिलिया को ऑर्डर देने और धमकाने लगता है। फिर यह डेनिलिया चार्ली को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहती है और फिर साइंटिस्ट जेसन से कहती है कि मुझे बेसमेंट से कुछ सामान निकालने में हेल्प करो। और फिर जब दोनों बेसमेंट में जाते हैं तब डेनिलिया साइंटिस्ट जेसन को नीचे धक्का देती है और उसे बेसमेंट में ही लॉक कर वहाँ से भागती है। और फिर जब चार्ली और डेनिलिया दोनों असली जेसन के पास जाने के लिए निकलते हैं तभी वह असली जेसन कार लेकर आता है और उन्हें अपने कार में बैठने के लिए कहता है। और जब वे सब कार से जा रहे होते हैं तब उस कार में बैठा हुआ जेसन डेनिलिया को सब कुछ वापस बताने लगता है कि कैसे उसे किडनैप किया था। तब डेनिलिया को पता चलता है कि यह उसका असली जेसन नहीं है इसलिए वो उस जेसन को कार रोकने के लिए कहती है और इसी में उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। और तब हम देखते हैं कि जिस कार के साथ इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है उस कार में भी एक दूसरा असली जेसन होता है। सब थोड़े थोड़े घायल हुए होते हैं। पीछे बैठे चार्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके इतने सारे आइडेंटिकल फादर कहाँ से आए। फिर वहाँ से चार्ली और डेनिलिया दोनों भागते हैं और अपनी तय की हुई जगह पहुँचते हैं। थोड़ी देर में उन्हें वहाँ असली जेसन मिलने आता है। तब डेनिलिया उसे कोडवर्ड बताने के लिए कहती है। तब वो जुपिटर बताता है। फिर असली जेसन अपने बेटे चार्ली से मिलता है और फिर इसी पर इस सीरीज का एपिसोड 8 खत्म होता है। अब लास्ट एपिसोड बचा है। पता नहीं सीरीज के मेकर हमारा और कितना दिमाग घुमाने वाले हैं। आगे लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है यह मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आखिरी एपिसोड वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों।